हे गाइस, तो पता है ना, मेरे पापा के फ्रेंड है ना, वो सऊदी अरेबिया गए थे। वहाँ से बहुत सारी चॉकलेट्स लाए और टॉफ़ी उन्होंने हमें दी थी। तो मैं सोचा चलो आपको दिखा देते। बहुत ही नई नई तरीके की थी यार, बहुत ज़्यादा नई नई तरीके की थी। तो जो मैं आप दिखा रही हूँ तो नॉर्मल सी है, पर एक थी कैपेचिनो, जो वाइट सी है ना, ये नहीं कैपेचिनो जो वाइट सी नीचे रखी हुई है, हाँ ये वाली, ये इसका नाम कैपेचिनो था। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब सबका अलग अलग फ्लेवर था, सब बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और एक चॉकलेट भी जिसका नाम सिल्का है। तो चलो फिर सबको एक बार खोलती हूँ और आपको बताती हूँ कैसा टेस्ट है। सबसे पहले चॉकलेट ही खोलते हैं। और ये ऐसी थी, मतलब अभी टूट गई और लंबी थी। इसको मैंने टेस्ट किया, काफ़ी अच्छी थी यार। इसके अंदर नट्स थी। वैसे मुझे ना नट की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपको अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताओ, और नहीं लगती तब भी कमेंट करके बताओ। और मुझे सबसे अलग लग रही थी, मतलब ऐसे बर्फी स्टाइल। तो मैंने इसको खोला, ये वाइट थी और बिल्कुल बर्फी जैसी थी। ये काफ़ी अच्छी थी टेस्ट में, ये भी अच्छी थी। और फिर थी ऑरेंज वाली, इसका टेस्ट थोड़ा सा था ऑरेंज ऑरेंज सा था, पर अच्छी थी। वैसे सब चॉकलेट जैसी थी, पर सबका एक अलग अलग फ्लेवर था। ये सिंपल चॉकलेट थी, हाँ इसके अंदर रोइन वाइट भी थी। सब बहुत अच्छी थी। और आप जल्दी बताओ कि आपको चॉकलेट पसंद है या फिर सबका पसंद आती है, मैं क्या पूछ रही। आपको वेफर्स वाली पसंद है या फिर सिंपल पसंद है, जल्दी कमेंट करके बताओ। और हाँ यही बताना, आपको सबसे अच्छी चॉकलेट कौन सी लगी है। टेस्ट में नहीं बोल रही मैं, ऐसी दिखने में। और मुझे सबसे अच्छी लगी है, एक लड्डू सा था, इसको मैंने खाया और बहुत अच्छा था, सबसे अच्छी लगी मुझे ये। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब। बाय।